धीरज जी हैं जिनका सवाल दालों को लेकर आ रहे हैं, तुवर दाल के बारे में जानना चाह रहे हैं। रूपा जी, हमने देखा है कि जो दालें हैं MSP से नीचे ही हैं, सरकार नहीं चाहती कि आगे चुनाव जैसे आ रहे हैं तो ऐसे में आम उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़े। तो आपको क्या लगता है, MSP तो कम हो गई है, MRP भी थोड़ी बहुत अब कम होती नजर आ रही है, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आगे दालों का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, अभी जो फिलहाल लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, दालों के अंदर दबाव है और लगातार प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल आगे इलेक्शंस भी हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल नहीं लगता कि कोई दालों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई देगी। और अभी थोड़ा बहुत हो सकता है कि जैसे हमने पीछे देखा था कि मसूर की दाल में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बना था, क्योंकि आवक कम थी, इस वजह से थोड़ी सी पॉजिटिविटी उसके अंदर प्राइसेस के अंदर आती हुई देखी दिखाई दी थी, और इसीलिए थोड़ा सा बाजारों के अंदर एक पॉजिटिव मसूर के अंदर बनता हुआ दिखाई दिया था मार्केट। लेकिन अभी भी देखा जाए तो बताया जा रहा है कि नई फसल की स्थिति काफी ठीक है, लेकिन बाकी अभी मौसम के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। यदि उत्पादन ठीक बैठता है तो मसूर के दाम आगे चलकर कम हो सकते हैं। और वहीं देखा जाए तो चने के भाव अभी स्थिर है, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आई नहीं है, और तुअर में अभी फिलहाल तेजी नहीं देखने को मिल रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि थोड़ा बहुत मसूर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन उसके अलावा बाकी दालों में प्रेशर जो है वो बना रह सकता है, आगे चलकर दालों के अंदर गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। जी,